हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जो भी हो जैसे को जहाँ पर भी रहो बस खुश रहो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप सभी लोग मतलब साउथ इंडिया बेंगलुरु में सबसे स्पेशल तो टिफिन है, आपको पता ही है यहाँ का, मतलब ऑथेंटिक बोल सकते हो, इडली हुआ, डोसा हुआ, ये सब मतलब यहाँ का मतलब सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलता है, मतलब जो भी है साउथ इंडिया में सबसे अच्छा बेंगलुरु में मिलता है। ओके टिफिन आप ना डोसा, घी डोसा और पूड़ी डोसा, चॉकलेट डोसा और मंचूरियन डोसा, एक्स वाई जेड डोसा, 100 वेराइटी ऑफ डोसा सब खाए रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ चिकन डोसा, कीमा डोसा, मटन कीमा डोसा और एग का डोसा। एग का डोसा इज कॉमन, मतलब यहाँ का चिकन डोसा एंड मटन कीमा डोसा नेक्स्ट लेवल। तो फिर गाइस आज हम लोग आए हैं यहाँ पे एक जेपी नगर में, छोटा सा लोकेशन है। ये लोकेशन में एक जो वर्मन है उनका जो जर्नी है इट्स नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अलग जर्नी है। अभी वो शायद से थोड़ा सा बिजी है, मैं अभी उनके साथ बात करूँगा। देख रहे हो ना कितना क्राउडेड है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब उनका डोसे के बारे में मैं इतना सुना मतलब आप सोच नहीं सकते इतना सुना हूँ। आज सच में खा के देखिए जेन्युइन रिव्यू दूंगा। चलो क्योंकि ऑलरेडी अपना काम पर लगा है भाई साहब। तो डिलीशियस डोसाज आर गेटिंग रेडी, सो देखेंगे हम लोग। गाइस अभी देख सकते हैं ना गर्मा गर्म डोसा तो तैयार है, इसके ऊपर आएगा स्टफिंग चिकन का, मटन का और एग का, तीन है और प्लेन डोसा भी उनके पास। और मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़े बड़े डोसा थे, मतलब छोटा सा डोसा है उसके ऊपर स्टफिंग, जो स्टफिंग आता है भाई साहब क्या बोलूँ आपको, मतलब मुँह पर सच में पानी आ जाता है वो स्टफिंग देख के। इसमें है एक्चुअली स्टफिंग, ये है ग्रेवी, कैन यू सी द स्टफिंग रेड, ये जो स्टफिंग है वो जाएगा डोसा के ऊपर। ये है चिकन, चिकन का ग्रेवी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है मतलब दिस जगह इज द मतलब आपके फेवरेट, मतलब आपके आपके बकेट लिस्ट में डाल सकते हो स्पाइसी, मतलब एकदम स्पाइसी, ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं, मीडियम स्पाइसी, देन यू विल एंजॉय द डिश डेफिनेटली। सो उसके बाद में है यहाँ पे चिकन है ये, ओके सो दिस इज चिकन गाइस, ये जो है चिकन ग्रेवी है, ओके एंड दिस वन इज मटन, मटन है एंड ये इधर चिकन है ना सर, मटन एरडू मटन हाँ ओके 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 भाई साहब, ये मटन है, ये अपना प्रॉन्स है, प्रॉन्स और वो जो अपना मटन चिकन है, मतलब उस स्टफिंग देख के मुझे मतलब आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई माइंड, स्टफिंग भी उतना मस्त डिलीशियस है, चलिए टेस्ट करके बताऊंगा। डोसा सिर्फ 10 रुपये और एग डोसा है 30 रुपये और चिकन चॉप्स डोसा 50 एंड करी डोसा, इसका मतलब मटन डोसा, वो है 80 रुपये, रोजी और रोज मिल्क। फाइनली अपने को अपना डोसा मिल गया है, चिकन चॉप्स, चिकन चॉप्स डोसा। चलो गाइस अभी टेस्ट करेंगे चिकन चॉप्स डोसा, बहुत ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, फिर भी वी आर लकी फटाफट मिल गया, चलिए टेस्ट करेंगे। देखिए भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा जो चैनल है सच्चाई का चैनल है, ओके ज़्यादा मतलब ज़्यादा सिनेमैटिक, ज़्यादा वो ऐसा मतलब ज़्यादा अच्छा डिलीशियस दिखने के लिए हम लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, जो भी है सच्चाई, जो भी है जेन्युइन रिव्यू है। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ था उसीलिए हम लोग अपना देसी स्टाइल एक्टिवा लगा है, मेरा प्रदीप का गाड़ी है, अपना एक्टिवा लगा है, एक्टिवा की हमारा अपना चिकन चॉप्स डोसा इज रेडी गाइस, रेडी टू हैव इट। इसका स्टफिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, जो भी बोलो स्टफिंग तो एक नंबर है गाइस, देखो तो सही इसको, ये यमी यमी चीज को देखो, देखो देख के पहचानो भाई साहब, देसी स्टाइल में अपन बैठे हैं, सब कुछ तैयार है, देखो कितना यम है, देखो फर्स्ट बाइट तुम्हारा भाई, अभी फर्स्ट बाइट लेने के लिए जा रहा है चिकन चॉप्स डोसा, बहुत ही गर्म है,
जो स्टफिंग है ना रियली इट्स अमेजिंग। और गाइस ऊपर ना पहले थोड़ा सा ग्रेवी और एग मिक्स करके जो डाले हैं ना उसके ऊपर स्टफिंग डाले हैं तो नेक्स्ट लेवल का है सीरियसली। एग और ग्रेवी मिक्स करके डाल के उसके ऊपर जो स्टफिंग डाले हैं रुके वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, इस नेक्स्ट लेवल। ये जो ग्रेवी देख रहे हैं आप एक ग्रेवी उसके साथ जाएगा अंडे तो ग्रेवी और वो जो ग्रेवी और एग दोनों मिक्स करके दूसरे डोसा के सर निम दे ली सर मटन डोसा इसका एक अलग टेस्ट है। उसके ऊपर जो स्टफिंग आएगा उसका भी अलग टेस्ट है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक नेक्स्ट लेवल। चिकन डोसा तो एंजॉय किया हम लोगों ने, अभी करना है मटन डोसा ट्राई। शायद से इसमें सब पूरा प्रॉन्स स्पेशल प्रॉन्स, ये जो स्लॉट है पूरा प्रॉन्स आएगा ऐसा लग रहा है। उसमें सबसे चिकन आएगा, उसमें मटन अंडर है, अपना मटन ये अपना प्रॉन्स, थोड़ा सा वेटिंग है लेकिन गाइस ये है प्रॉन्स डोसा। अभी इतना सब वेटिंग के बाद हमको मतलब सबसे कंपेयर किए तो हमको थोड़ा सा जल्दी मिला प्रॉन्स डोसा। तो चलिए अभी इंजॉय करेंगे, लेंगे एक बाइट प्रॉन्स डोसा की हम सब। बहुत ही गर्म है गाइस, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। ये जो प्रॉन्स डोसा है क्या बोलूँ उसके बारे में, ये जो मसाला ये जो सब कुछ है भाई मतलब लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल सीरियसली वर्थ गाइस। प्रॉन्स डोसा इज गुड। ओके साहब देखिए भाई साहब ये है अपना काला डोसा, मतलब मटन का डोसा, मटन जो कीमा का डोसा है। ये भी हम लोग को जल्दी मिला, बहुत ही गर्म मटन कीमा भाई, वो जो कुक हुआ है ना मतलब बोलने के मुझे आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, मुझे लिटरली वर्ड्स नहीं मिल रहा है, उतना सही है मटन डोसा। गैस खाए खा के एंजॉय किए, बहुत ही सही था। लेकिन आपको इसके पीछे का स्टोरी बताऊंगा, वो जो आंटी वहाँ पे मैं दिखाया आपको, वो जो आंटी है बेसिकली शी इज़ टू वर्क विद एक स्टार्टअप, एक कंपनी था, एक कंपनी में वो काम करते थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में काम करते थे। शी इज़ टू ट्रैवल एवरी डे बाई बस, मतलब एक दिन क्या हुआ बस एक्सीडेंट हुआ, इनका जो राइट लेग है नहीं है, मतलब बस अपना जो BMTC बस है बेंगलुरु का जो लोकल बस से वो आके ठोक के इनका राइट लेग अभी नहीं है। तो उसके बाद में शी वॉज़ वेरी फूडी, बहुत ज़्यादा फूडी थे, हर जगह ये जो रील में दिखाते ब्लॉग्स में दिखाते हर जगह जाके फूड ट्राई करती थी और बहुत ही अच्छे से फूड एंजॉय करती थी, खाती थी सब कुछ। ओके राइट, तो उसके बाद में वन डे शी इज़ वेरी गुड एट कुकिंग, मतलब खाना बनाने में बहुत ही सही थे। तो वो बैठ के सोचे कि वाई डोंट आई स्टार्ट अ स्मॉल होटल, तो तब जाके वो होटल इंडस्ट्री में जम के। दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दिस डोसा। सो गाइज हमेशा खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ गाइज आर न्यू टू माई चैनल आपको पता है ना क्या करना चाहिए, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। आप देखते हैं एंड तक, मतलब आप सब्सक्राइब नहीं करते फटाफट जाके सब्सक्राइब करो।